नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम सक्सेस स्टोरी पे बात करेंगे। जी हां, ओयो की सक्सेस स्टोरी जानेंगे कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट बना दुनिया का सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। घूमने फिरने के शौकीन बमुश्किल ही ओयो रूम से अनजान होंगे। जी हाँ, घूमने फिरने के आइडिया से ही इस कंपनी की नींव पड़ी। ओयो रूम्स स्टार्टअप के फाउंडर रितेश अग्रवाल का सफर 10 साल पहले शुरू हुआ और आज स्टार्टअप की वैल्यू लगभग 75,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। कम कीमत में अधिक सुविधाओं के साथ रूम देने का यह स्टार्टअप 80 देशों के 800 शहरों में फैला हुआ है। दुनिया के दूसरे सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर और देश के सबसे युवा सीईओ का रिकॉर्ड भी रितेश अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ है। पर इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं। कॉलेज ड्रॉपआउट से लेकर सफल स्टार्टअप का इतिहास रचने तक का सफर आसान नहीं रहा। ओयो रूम्स की शुरुआत कैसे हुई और कितने उतार चढ़ाव को पार करते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचा, आइए जानते हैं। ओडिशा के रायगढ़ जिले में जन्मे रितेश अग्रवाल हमेशा से ही एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन घर वाले चाहते थे कि इंजीनियर बने। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वो कोटा आए, लेकिन मन नहीं लगा। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद घूमना फिरना शुरू किया। सफर के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो होटल के कमरों को लेकर दावा किया जाता है वो पूरी तरह सही नहीं होता। इस समस्या को बेहतर समझने के लिए उन्होंने होटल्स में स्टे करना शुरू किया। होटल मालिकों से वहां रहने की परमिशन मांगी। कुछ ने हामी भरी और कुछ ने साफ मना कर दिया। रिसर्च वर्क पूरा होने के बाद अब बारी थी इसका समाधान करने की, कि इसके लिए उन्होंने 2012 में पहला स्टार्टअप शुरू किया। नाम था ओरावेल स्टेज। यह स्टार्टअप सस्ते होटल के कमरों के इंटीरियर को सुधारने का काम करता था। इसके बाद उन कमरों के लिए कस्टमर को खोजने का काम करता था, पर काम चला नहीं। यह एक असफल स्टार्टअप साबित हुआ और नुकसान उठाना पड़ा। अपने असफलता से सबक लिया और फिर एक कदम आगे बढ़ाया। रितेश पिछले स्टार्टअप से नुकसान हुए से उभरने के साथ उससे मिले सबक को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गए। बात थी साल 2013 की। साल 2013 टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें थियल फेलोशिप के लिए चुना गया। 2 साल के उस फेलोशिप प्रोग्राम में उन्हें 75,00,000 रुपए मिले। इसी पैसे से उन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने सस्ते होटल्स को टारगेट किया। रितेश होटल मालिकों से मिलते थे और उन्हें अपने साथ जोड़ते थे। होटल के साथ मिलने के बाद वो उसकी ब्रांडिंग, कस्टमर मैनेजमेंट और मार्केटिंग से लेकर इसके इंटीरियर पर काम करते थे। इससे होटल मालिकों का मुनाफा बढ़ता था। यह स्टार्टअप चल पड़ा। होटल मालिकों को दोगुना फायदा होने लगा। होटल मालिकों को कस्टमर और ओयो रूम्स को पॉपुलैरिटी मिलने लगी। ओयो रूम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद स्टार्टअप में निवेश बढ़ने लगा। उन्होंने लोगों को किफायती कीमतों पर रूम देना शुरू किया। कस्टमर को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाया। हर लोकेशन पर कमरे उपलब्ध कराए जा सके, इस रणनीति पर काम किया। बुकिंग सिस्टम को आसान बनाया और कस्टमर क्या चाहते हैं इसे समझने की कोशिश की गई। इन सब बातों पर फोकस करने के बाद एक नया मॉडल बनाया जिसने सफलता का इतिहास रच दिया। फिर इसे तकनीक से जोड़ा। नतीजा, चंद सेकंड में रूम बुकिंग आसान हुई। इसके अलावा कपल फ्रेंडली होटल का कॉन्सेप्ट लाए जो काफी पॉपुलर हुआ। आगे बढ़ते गए सफलता के कदम। जी हाँ, 2015 में कंपनी को 184 करोड़ की फंडिंग मिली। इसके बाद स्टार्टअप ने अपने ऐप लॉन्च किए। 2016 में विदेश में विस्तार शुरू किया। इसकी शुरुआत मलेशिया से हुई। 2018 में चीन और नेपाल में शुरुआत हुई। 2020 में 5 करोड़ ऐप डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बना। वर्तमान में 68% मार्केट शेयर के साथ ओयो रूम्स देश की सबसे बड़ी होटल चेन बन गई है। तो आज की सक्सेस स्टोरी में हमने आपको बताया कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट दुनिया का सेकेंड बिलियनियर बना है। जी हाँ, ओयो रूम्स की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी तरह के तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।